डीपीओ मानसेरा जेबुल्ला खान ने एक माह के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया और आवाम को अपना वादा वफा कर दिखाया। बदनाम जमाना पंजाब से ताल्लुक रखने वाला डकैत गैंग को गिरफ्तार किया और इनके कब्जा से भारी तादाद में असलहा और रकम बरामद की, जिस पर डीपीओ मानसेरा ने अपनी पुलिस टीम को अवार्ड से नवाजा। नकदी और सामान लवाइकीन के हवाले किया। केपीके की आवाम का पुलिस को खराज तहसीन, मजीद इस हवाले से जानते हैं डीपीओ मानसेरा से। जी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डीपीओ मानसेरा जेबुल्ला खान। जी जेबुल्ला खान, सबसे पहले हम आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी कारगर्दगी पर। बड़ी मेहरबानी जी आपकी, थैंक यू वेरी मच। जी जेबुल्ला खान साहब, हमें ये भी बताइएगा कि एक माह के अंदर आपकी कारगर्दगी कैसी जा रही है। मैं सबसे पहले तो आपके इदारे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कुछ अहम मामलात पे मुझे लाइन पे लिया है ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के साथ आपकी विसातत से शेयर कर सकूँ। असल में कुछ ऐसे ऊपर तले कुछ वाकयात हुए थे हमारे ज़िले में, जिसकी वजह से वाकई एज अ पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कमांडर मुझे फिक्र भी हो रही थी और एक चैलेंज के तौर पर हमने लिया था ये सारा मामला। कुछ एक दो कत्ल के वाकयात हुए थे, उस पर हमने फोकस किया हुआ था। एक बच्ची की गुमशुदगी का वाकया था, वो था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए था वो था जाबा टॉप पे जो डकैती का वाकया हुआ था, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो प्रोफेशनल टीम है उनके विसातत से और जो हमारी एक तफ्तीश की टीम है उनकी विसातत से काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उसको हल किया। हम मामले के तहत तक पहुंचे और हमने आवाम के साथ वादा किया था कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम लोगों को हम गिरफ्तार करके आपको देंगे और मीडिया के सामने लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमने कर लिया। सर, इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान एक इंतहाई हसास मामला है जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमारे मुल्क की सिक्योरिटी और अमन व अमान के हवाले से है। तो बदकिस्मती से हमें थोड़ी सी उस पर सख्ती करनी पड़ती है। अगर आप ये देखें कि बाहर से जो लोग आके हमारे ज़िले में रह रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जो लोग बगैर डॉक्यूमेंट्स के आते हैं फिरते हैं उनका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और जो मिस्क्रियंट होते हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं लेकिन मसला बनाने के लिए एक दो लोग भी काफ़ी होते हैं। तो उन लोगों के पीछे जाने के लिए हमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत जितने भी हेड्स हैं उससे हम काम कर रहे होते हैं और मशकूक लोग, मशकूक जगह और मशकूक जो हालात हैं उनको फोकस में रखना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काफ़ी काम हुआ है। और पिछले एक महीने के दौरान हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत 100 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हुए हैं बाकी एजेंसियों के ताउन से, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं और अमन अमान की सूरत हाल पर काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद डीपीओ मानसेरा जेबुल्ला खान। जी मानसेरा जेबुल्ला खान, बहुत शुक्रिया पॉपुलर न्यूज़ को टाइम देने का।